फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने बैनर तक का पार्ट अपना कंप्लीट किया था इसमें, और कहाँ गया हमारा ये चीज़। तो आज हम लोग इसके अंदर थ्री कॉलम्स बनाएंगे। वीएस कोड को बंद करो, कंफ्यूज कर रहा है मैं बीच में। यहाँ से एडिट पेज, ठीक है। तो एक पार्ट रेडी करो और यहाँ से आपने इसके अंदर आना है। तो ये क्या हो गया अपना हेडिंग वाला पार्ट। अगर आपको हेडिंग के साथ में सिंबल भी यूज़ करना है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा ब्लर्ब के नाम से। तो यहाँ पर आप देखेंगे इमेज एंड आइकन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से बोलेंगे आप यूज़ आइकन, पूरा आइकन जो है फॉन्ट ऑसम का पेड वाला वो सब इसके अंदर आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। आप बस बोलो कौन सा वाला एरो। आपने आपने बोला राइट, तो देखो सारे एरो आ गए इसमें निकल के जितने भी हैं। तो यहाँ जाके देखो कौन सा वाला मैच हो रहा है, वो लेके इसमें लगा दो। तो जैसे मैंने बोला ये वाला सिंबल, और हमने इसको ओके कर दिया। इसके बाद टेक्स्ट क्या लिखना है, तुमने यहाँ पे जाके टेक्स्ट लिख देना है। क्या था उस पर लिखा, अबाउट अस, ये लिख दो। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से आप इसको प्रीव्यू करके देखो, आ रहा है इस तरह से। अब ये अलग अलग पोजीशन पे इसको मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर रहा है, तो यहाँ से एडिट इसको छोटा कर लेना, यहाँ से उठा के इधर रख लो ताकि मैं देखता रहूँ इसको कि क्या चेंजेस आ रहे हैं इसमें ना। तो यहाँ से आपको मिलेगा ऑप्शन डिज़ाइन। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन क्या मिलता है, इमेज एंड आइकन। इमेज एंड आइकन के अंदर आपको मिलेगा आइकन का प्लेसमेंट, अपन क्या बोलेंगे इसको, लेफ्ट चला गया अपनी जगह पर। कलर आइकन का क्या रखना है वो आप यहाँ से चेंज कर लोगे। तो हमें चाहिए ब्लैक कलर, तो आइकन का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। आइकन के बैकग्राउंड में अगर कोई कलर डालना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। आइकन की विड्थ अगर अगर घटानी बढ़ानी वो आप यहाँ से, बॉर्डर जो भी आप करना चाहें वो सारे कंट्रोल यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये था हमारा। फिर आते हैं टेक्स्ट के ऊपर, तो टाइटल टेक्स्ट की बात करते हैं। टाइटल टेक्स्ट में लिखा था इसमें, हाँ लिखा है ना। तो टाइटल टेक्स्ट, और आपको इसको किस साइज में रखना है तो आप यहाँ से चेंज करेंगे। इसके बाद में अपर केस वगैरह और बोल्ड वगैरह अगर करना होगा तो इस तरह से चेंज कर लेंगे। तो ये टेक्स्ट के अंदर हमने क्या हैंडल करा था, टाइटल टेक्स्ट। इसका देखना आइकन की प्लेसमेंट है क्या वर्टिकली कहीं पर, सही है। चलिए ये डन हो गया। इसके बाद हमें एक नया चीज़ डालना है, डिवाइडर मिल गया से डिवाइडर हमें, शो डिवाइडर। डिवाइडर के साइज में आइए कि थिकनेस कितनी रखनी है, जैसे हमने बोला 6, तो डिवाइडर इस तरह का हो जाएगा। कलर वगैरह ढूंढो, कलर कहाँ पर है, है ना।
उसके बाद क्या है फिर टेक्स्ट, चलो भाई यहाँ से टेक्स्ट में चले जाओ, फिर यहाँ पर जाके ये क्या रहा है, योर कंटेंट गोज हेयर, अच्छा डिफॉल्ट टेक्स्ट ले रहा है वो, सो हमें यहाँ पर लॉरम इप्सम चुकाना है ना, इसको कॉपी यहाँ पर कॉल, इसकी स्टाइलिंग पे बाद में बात करेंगे। फिर हमें क्या चाहिए नीचे एक लिंक, लिंक किस में आना चाहिए, हाँ इसका नाम देखो, लिंक का भी कुछ ना कुछ दिया होगा, लिंक नहीं होगा तो हाइपर लिंक होगा, हाइपर लिंक नहीं है तो बटन होगा, है लिंक यहाँ पर आ जाएगा, और टेक्स्ट क्या लिखना है वो यहाँ पर लिख दोगे, क्या है वहाँ पर लिखो, रीड, और बटन का यूआरएल यहाँ आएगा, लिंक यहाँ हो गया, टेक्स्ट यहाँ हो गया, डिज़ाइन, डिज़ाइन में कहीं पर बॉर्डर वगैरह है क्या, रीड ऑन अलाइनमेंट, टेक्स्ट अपना डार्क, बटन, बटन का फॉन्ट साइज, क्या फॉन्ट होगा इसका, मेरे ख्याल से 12, तो यहाँ पे जाके पुट कर दो 12, तो ये छोटा हो जाएगा ऐसे। कलर क्या रखना है वो कॉल कर लो यहाँ से, हैश ओके, अरे नहीं भाई बंद हो गया, एडिट, और क्या है बटन का बैकग्राउंड हमें नहीं चाहिए, और क्या है बटन का बॉर्डर वर्थ ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है, बटन बॉर्डर कलर, बटन बॉर्डर रेडियस, लेटर स्पेसिंग, बटन फॉन्ट डिफॉल्ट, मोटा करना है इसको तो बोल्ड, अपर केस करना है हमें, हमने रीड यहाँ पर बड़ा लिखा था क्या, स्मॉल में लिखो आराम से, और क्या क्या हो गया, बटन पर कोई आइकन लगाना है, आइकन की प्लेसमेंट भी ढूंढना कि कहाँ पर है, आइकन का कलर ब्लैक, ओनली शो आइकन ऑन होवर, नहीं मैं डिफॉल्ट भी चाहिए है ना, होवर और अलग कोई चक्कर नहीं है, आइकन की प्लेसमेंट, अरे सब दिया हुआ है देखो, जो चाहिए सब पहले से उन्होंने सोच डाल के दिए, सॉफ्टवेयर की तरह चलाते जाओ बस, ढूंढना है बस तुम्हें, तो ये रीड वाला पार्ट का बन के रेडी है। हाँ जी हाँ जी आप ही का है, ले लो, सही है, ये डन हो गया आपका। अब जैसे हमने ये वाला सेक्शन अपना क्रिएट कर लिया है, आप यहाँ से इसको फिर से पहले वाले मोड में ले आओगे इस तरह से, तो टेक्स्ट हमें सब जगह लिखना है, बॉर्डर हमें सब जगह लगाना है, आपने यहाँ से क्या बोलना है, कॉपी, कॉपी बॉर्डर को, कॉपी कॉपी टेक्स्ट की कॉपी, ठीक है, तो देखो यहाँ जाके क्या आउटपुट आ रहा है,
क्या मैटर ही तो चेंज करने रह गया, मैटर यहाँ आके चेंज कर लेंगे अपना, एडिट, दूसरा मैटर क्या है, आवर बेनिफिट्स, फिर क्या टेस्टिमोनियल, और क्या था, नीचे वाला मैटर ले लो, इसको एंटर करो और इसको इटैलिक करो, ऐसे है ना, हो गया। यहाँ पर हमें बनानी है लिस्ट, देखना लिस्ट इसका कुछ दिया हुआ है क्या, सिस्टम नहीं है, नहीं है, पढ़ो ज़रा ध्यान से क्या क्या ऑप्शन हैं यहाँ पर, अकॉर्डियन है, बार काउंटर है, ब्लव है, बटन है, सर्कल, कोड, कमेंट, कॉन्टैक्ट, डिवाइडर, ईमेल, गैलरी, हेडिंग, आइकन, इमेज, मेन्यू, पर्सन, पोस्ट, साइड बार, नहीं है, इसके अंदर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो ठीक है, फिर हम यहाँ पर अगेन ब्लव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, एक कार्ड जैसा बन के आ गया कुछ। तो पहला मैटर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसको कॉपी करो और इस मैटर को जो है आपने यहाँ से एडिट में आना है, ऐसे करेगा, चल तो यहाँ जाके एडिट पर क्लिक, अपना जो भी मैटर है वो यहाँ लिख देंगे आप, और इसमें देखना कहीं पर आइकन का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ जाके यूज़ आइकन पे क्लिक, और आइकन पे कौन सा सिंबल आ रहा है अभी, चेक का सिंबल, वैसे तुम चाहो तो इमेज भी लगा सकते हो, यहाँ पर ना इमेज चूज करने का ऑप्शन दिया हुआ है, हमने कहाँ से फोटोग्राफ उठाई थी लास्ट टाइम, आप ही की साइड ड्राइव से उठाई थी हमने, लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी, दो मिनट दीजिए, कहाँ से चला हमारा काम, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पर MWF, MWF के अंदर मिल गया, लोकेशन कॉपी, और यहां लाके ओपन, ये हमने इमेज यहां पर ली, ओहो नाराजगी, एन एरर अकर्ड इन द अपलोड, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, डिसमिस एरर, चलो गुड आफ्टरनून, बारिश हो रही है, रुक गई, कोई बात नहीं, तो यानी कि ओहो वर्डप्रेस तुम्हारा लॉग आउट हो गया, कल बारिश हुई थी यहाँ पर जो शाम को हुई थी, बहुत तेज बारिश हुई थी, वो तो तूफान के साथ मतलब सुबह तक इतनी ज़्यादा गर्मी थी, हाँ शाम को तो अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल, एकदम से वेदर चेंज हुआ, आनंद फान हो काम स्टार्ट, कहाँ पर हुई बारिश, कल शाम उस टाइम में पूल में तो इतनी तेज बारिश लग रही थी, क्या है तुम्हें,
दोबारा ट्राई करो अपलोड करने का। इसको दिक्कत ही छोड़, टीवी वाले में ही वो कर रहे हैं। हाँ अभी उस पहले भी पूरा कर रहे हैं, फिर उस पर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखो चेक का सिंबल अपने को मिल जाएगा, और क्या सा है, अच्छा खाली टिक है, तो हमें खाली टिक वाला लेना है। और इसकी पोजीशन प्लेसमेंट जो है ना, वो आपने यहाँ से जाके चेंज कर देनी। तो क्या बोलेंगे यहाँ से इसको, लेफ्ट, लेफ्ट में डालने के बाद आइकन का बैकग्राउंड कलर अगर आपने ऐड करना है, तो इसके लिए पहले अपना प्रीव्यू ऑन कर लेना, फिर करना अलग काम, ठीक है। पहले इतना सेव कर देते हैं, एरर ना आ जाए। आ गया लो एरर, देखते कहाँ तक का सेव हुआ है। वो बीच में लॉग आउट हो गया था ना काम करते वक्त, वो पुराना सेशन ही चल रहा था, उसने सेशन चेंज किया तो हमारा चला गया। ये मैं सब बना चुका था। दिखाओ दिखाओ ऑनलाइन स्टूडेंट ऑडियो चेक कीजिएगा, तो हमारी काम इस पर करेंगे, ऑडियो इधर रिकॉर्ड हो जाएगी। चलिए तो देखो, एक ना इस तरह का प्रॉब्लम जनरली आपको देखने के लिए मिल सकता है, और मेरे जैसे बंदे के साथ आज तक 24 सालों में कभी मैंने फेस नहीं किया ये एरर। जनरली औरों ने काम किया तो एरर आया, वो लापरवाही है जस्ट कि काम सब खत्म और इसको हमने स्टॉप नहीं किया, तभी ये जनरली प्रॉब्लम आती है। तो इसका तरीका क्या है, इसको कैसे डील करना है आपने, तो आपने यहाँ से जाना है एक्सप्लोरर के अंदर। अमन को स्क्रीन नहीं दिख रही, अमन बीच में छोड़ के गया था, पनिशमेंट है उसकी। अब अंकेश की स्क्रीन देख अमन। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा MySQL, MySQL के अंदर आपके MySQL के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैकअप, है ना। और यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमें एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, डेटा के नाम से। तो आपने क्या करना है, इस डेटा को यहाँ पर जाके देखना है। ये सारी फाइलें जो देख रहे हो आप, सब यहाँ पर रखी हुई हैं। तो इस डेटा का नाम आप यहाँ से जाके रीनेम कर दो। हम लिखेंगे यहाँ पर रीनेम, रीनेम एफ टू सी होता है ना इसमें, तो यहाँ पर लिख दो, इसको नेम दे दो ओल्ड। बैकअप के अंदर जाओगे, कंट्रोल ए करके सारा डेटा कॉपी, और यहाँ पर एक फिर से डेटा का फोल्डर बनाओ, उसमें लाके इसको कॉल करो। इसके बाद यहाँ पर आपने आके इसको स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट हो गया, कैसे करना है? अब अपना एडमिन चलाओ। नहीं तो उसके अंदर डेटाबेस तुम्हारे पड़े होंगे ना, ऐसे नहीं उड़ाना। तो वो डेटाबेस वाले में आ गया होगा? नहीं अभी नहीं आएगा, उसको लाना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको रिनेम कर दिया। चलो देखो, एकदम बिल्कुल ब्रांड न्यू आपका नया जो MySQL है वो अवेलेबल है। अब आपको इसमें डेटा इंजेक्ट कराना है जो जो इन्होंने बनाया हुआ है। सो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से किसी फोल्डर में जाना है, और जो आपका ओल्ड डेटा वाला है इसमें आप देखोगे अंकिश के नाम से यहाँ पर अवेलेबल है ना, तो इसको अपन कॉपी करेंगे
और डेटा में लाके कॉल कर लेंगे। इसके बाद आप अपने पेज को एक बार रिलोड करेंगे। कहाँ गया पेज मेरा? एज में चल रहा है। यहाँ करेंगे हम लोग रिलोड। हम किसके नाम से आ गया? हम किसने अगर कोई डेटा बेस बनाया होगा, कौन गया डेटा बेस? ओल्ड डेटा से हमने अंकित का नेम से उठाया और नए वाले में ड्रॉप कर दिया हमने इस चीज़ को। ठीक है, नहीं डिलीट क्यों करना, रखे रहो ना। हो सकता है कोई फाइल मिसिंग हो, तुम्हें चाहिए हो, पहले पूरा चेक कर लो उसके बाद डिलीट करना। तो तुम्हें समझ में आया क्या करा हमने? डेटा का जो डिफॉल्ट फोल्डर होता है उसको रिनेम करके ओल्ड कर दिया हमने। तुम कुछ भी कर लेना, संता बनता मर्जी है। इसके बाद बैकअप से सारा डेटा कॉपी, बाहर आके आपने फिर से एक ब्रांड न्यू डेटा का फोल्डर बना के उसमें पेस्ट कर देना है, तो आपका एसक्यूएल चल जाएगा। अब ये बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिनको नहीं पता था वो लोग डेटा तो लूज़ करते हैं, अपना दोबारा से पूरा जैम डिलीट करके रीइंस्टॉल करते हैं, उसमें भी टाइम लगता है आपको, है ना। तो डेटा भी बच जाए और मेरा जैम वहीं से रिवाइव हो जाए, तो ये प्रोसेस आपने फॉलो करना है। तो ये अपना वीडियो के अंदर ऑन रिकॉर्ड भी हो गया। अब हम लोग इसका ज़रा वो चला के देखते हैं। किस नाम से बना रखा है फोल्डर? अंकिश के नाम से। htdocs अंकिश। अंकिश के अंदर वर्डप्रेस। बाहर क्यों नहीं रखा वर्डप्रेस? लोकल होस्ट अंकिश वर्डप्रेस। अमन एक बार लेफ्ट करके रिजॉइन कर लो। तो वर्डप्रेस तुमने इंस्टॉल कर रखा था, करना पड़ेगा फ्रेश। तो इसका मतलब हमारी फिर कोई फाइल मिसिंग है डेटाबेस। तो हम लोग पास तो चलो फिर एक बार यहाँ देखते हैं कि अगर डेटाबेस यहाँ बना है। डेटाबेस है बना है, पक्का कंफर्म है ना, कोई चेंज नहीं किया। तो फिर मैं आगे का पार्ट देखता हूँ उसके अंदर, यानी कि हमें वापस जाना पड़ेगा अपने उसी MySQL के फोल्डर के अंदर। यहाँ पर अमन अब दिखाई दे रहा है? डेटा में हम लोगों ने अपना डेटाबेस कॉपी कर लिया अंकिश के नाम से, और फाइलें देखो कोई और फाइल हो जो डिपेंडिंग हो उसके ऊपर। MySQL परफॉर्मेंस स्कीमा एडमिन कॉन्फ़िगरेशन। इन फाइल की साइज देखो 24। इसको साइड रख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। किस कह रहा है, मैंने पूरी रात मेहनत करके प्रोजेक्ट बनाया लेकिन मैं दिख नहीं रहा था।
12888 41.3 MB 51.1 MB हाँ डेटा कुछ कॉपी कर रहे हैं फोन में सारी है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तुम्हारा ट्रायल टेस्टेड है थोड़ा बारे में उससे ज़्यादा बच्चों से दिक्कत आती है इस तरह डेटा तो सारा ठीक है अब यहाँ चेक कर दें अगर तुम्हारा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ना तो री इंस्टॉल का नहीं आना चाहिए सीधे इंस्टॉलेशन का ही आना चाहिए मतलब सीधे प्रोजेक्ट खुलना चाहिए तो फाइलें और हैं जो हमें बचानी पड़ेंगी इसके अंदर
वो समझ लूँ, क्योंकि मैंने बहुत लंबे टाइम के बाद इसको ट्राई किया है। सो पहला स्टेप कि जब आपके साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए तो फोल्डर को, डेटा को रिनेम करना है। कहाँ जाना है? MySQL फोल्डर के अंदर डेटा को रिनेम करो, बैकअप के अंदर से सारा डेटा कॉपी और उसको यहाँ पे लाके एक नया डेटा का फोल्डर बना के सारा डेटा पेस्ट। पुराने वाले डेटाबेस में से क्या करना है, जो भी आपका डेटाबेस होगा उसका नाम लिखा आएगा। तो जैसे इन्होंने अंकिस के नाम से डेटाबेस बनाया था, तो हमने अंकिस वाला डेटाबेस ला के इसमें कॉल कर दिया अपने नए वाले में। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, पुराने वाले डेटाबेस से एक फाइल लेनी है, ये वाली आईवी डेटा वन, और इसको यहाँ पर ला के आपने ओवरराइड कर देना है। दैट्स इट, आपका पूरा डेटाबेस रिकवर हो जाएगा। चला के देख लो डेटाबेस को काम कर रहा है कि नहीं सही से। तो यूज़र पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे डेटा देखो आ जाएगा। ऑल्सो तो ये इसका फिक्स, ठीक है। अब आगे से कभी दिक्कत आए इस तरह से ट्राई करो। हाँ, तरीका वही है, आपको पहले कंप्यूटर को शट डाउन करने से पहले प्रॉपर स्टॉप करना है। हम हमेशा स्टॉप करके काम करते हैं। स्टॉप शेयरिंग कर दो स्क्रीन पहले वहाँ से। ऑडियो चेक कीजिएगा। एक बार रीलोड कर लेते हैं ताकि दोबारा से लॉगआउट ना हो जाए। प्रीव्यू करेंगे पेज को। सो लास्ट हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया था, आज हम लोग इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो क्लिक, सो हमें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू PSD फाइल एक आइकन भी कॉल करना है। तो यहाँ से हम लोग चूज़ करेंगे ब्लर्ब, और ब्लर्ब में आप यहाँ जाके अपना हेडिंग जो है वो कॉल करिए। नेक्स्ट, इमेज एंड आइकन, यूज़ आइकन, फॉन्ट ऑसम का पेड वर्जन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। आप यहाँ जाके बस अपना डायरेक्शन बताइए, राइट एरो, यहाँ से करिएगा इसको ओके। इसके बाद डिज़ाइन के अंदर आपको मिलेगा इमेज एंड आइकन ऑप्शन। आइकन का कलर आपने क्या रखना है, लाइक ब्लैक। आपको आइकन का प्लेसमेंट रखना है लेफ्ट, और ये पार्ट आपका डिफाइन हो जाएगा। टेक्स्ट में आइए, हमने टेक्स्ट चूज़ किया है टाइटल। टाइटल के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे H2 के अंदर हम यहाँ से यूज़ करेंगे बोल्ड, यहाँ से चूज़ करेंगे अपर केस। टेक्स्ट का कलर होगा ब्लैक, ये कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिएगा इसके अंदर। तो यहाँ से एक बार प्रीव्यू देख लो, इस तरह से बन के रेडी है। तो आइकन का साइज वाइज अगर आपने हैंडल करना है तो आप यहाँ से जाके रियल टाइम में इसको छोटा करके थोड़ा सा हैंडल कर लीजिएगा। डिज़ाइन, इमेज एंड आइकन, अलाइनमेंट, थिकनेस, तो यहाँ से आप आइकन को छोटा बड़ा कर सकते हो। ये पार्ट ओके हो गया। नेक्स्ट हमें एक लाइन की ज़रूरत है, तो हम लोग यूज़ करेंगे डिवाइडर। डिवाइडर में आपने आना है डिज़ाइन, कलर होगा ब्लैक। नेक्स्ट यहाँ से आपको मिलेगा साइज़ थिकनेस हम लोग करेंगे लाइक 6। तो ये डिवाइडर अपना बन के रेडी हो गया। इसके बाद हमें कॉल करना है यहाँ पर टेक्स्ट। टेक्स्ट पर ओके करिए। टेक्स्ट मैटर क्या लिखना है वो यहाँ से कॉपी और इधर पेस्ट, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हमें एक लिंक बनाना है। तो लिंक बनाने का देखो टेक्स्ट के अंदर भी ऑप्शन आना चाहिए, यहीं पर आप देखते हो लिंक का भी ऑप्शन दिया होगा। क्लिक करेंगे, यहाँ से चूज़ करेंगे बटन, बटन पर टैप करिए। क्या लिखना है बटन के ऊपर, रीड लिखो। डिज़ाइन में आओ और
टेक्स्ट हो गया, बटन पर आइए, यूज कस्टम स्टाइल्स फॉर बटन यहाँ से ऑन करिए। बटन का फॉन्ट साइज हमें रखना है लाइक 12 पिक्सल। कलर यहाँ से आप चूज करिए, इसके अंदर नेक्स्ट यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपर केस वगैरह करने का, इसको बोल्ड कर देंगे इसको हम लोग यहाँ पर। और बॉर्डर हमें नहीं चाहिए, बॉर्डर को डन कर दीजिए। आइकन चाहिए हमें, तो यहाँ से राइट एरो ले लो इसमें, इसके बाद प्लेसमेंट इसकी लेफ्ट कर दो, इसको ऑफ कर दो, इसका जो कलर है वो ब्लैक कर दो, इस तरह से डिफाइन करके इसको ओके कर लेना है। सेव कर दीजिए, कंट्रोल एस, गैपिंग वगैरह भी इसकी एडजस्ट कर देते हैं। वापस आइए डिज़ाइन मोड, और यहाँ आप देखें कुछ ऊपर नीचे ना गैप यहाँ पर अवेलेबल है, तो इस गैप को हमें कम करना है। ठीक है, इसके लिए भी मैं आपको थीम के अंदर ना एक ऑप्शन आता है डीबी का, क्या बोलते हैं उसको, प्रो मॉड्यूल्स करके कुछ आते हैं शायद, शाइन एट पे मिल जाएगा, शाइन एट स्टार्ट इन, और यहाँ पर सर्च कीजिएगा डीबी, तो डीबी प्लस होता है शायद, सर्च कर लेते हैं मिल जाएगा। क्या बात है, तो देखो डीवी सुप्रीम प्रो, इसमें अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो प्रीमियम एक्सटेंशन हमें मिले 7 एंड 40 प्लस हमें मॉड्यूल्स मिल रहे हैं इसके अंदर। तो इस मॉड्यूल में देखो क्या कहीं पर मॉडल है क्या, या पॉपअप वगैरह करके कुछ में दिया हो, तो कार्ड, इमेज, हॉटस्पॉट, स्क्रॉल, ड्यूल, फ्लिप बॉक्स, देखो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 अलग से डालने की जरूरत नहीं, वो भी इनबिल्ट है इसमें। एक डीवी सुप्रीम होता है, एक और आता है अलग से डीवी बूस्टर, इसमें होना चाहिए। यहाँ पे फाइंड करो, कुछ पॉपअप वगैरह करके मिलना चाहिए, POP या मॉडल, शॉप बिल्डर, थीम है इनमें ही, मैं इसको एक बार लगा के आपको दिखा दूंगा, पहले जैसे इसको कंप्लीट कर दूं चलेगा ये। हाँ तो अभी इसकी कॉपी बनाओ, इसकी कॉपी बनाइए, और यहाँ से इसको आपने मूव करके इधर रख देना है, लाइन को मूव करिए इसी तरह से, फिर से कॉपी बनाओ, हाँ। अब अपने को क्या करना है, मैटर चेंज, जैसे कि बेनिफिट्स, दूसरा क्या, टेस्टिमोनियल्स, इस मैटर की कॉपी बनाओ,
ठीक है, तो आप लंच के बाद रख दीजिएगा। हाँ रख दीजिए। मैटर कॉपी कीजिए यहाँ से, और यहाँ पर कॉल, यहाँ पर शिफ्ट एंटर, और इसको इटैलिक। तो ये वाला पार्ट हम लोग बना रहे थे ना, सेव कर दो यहाँ पर, और एक बार इसका प्रीव्यू भी चेक कर लेना, इधर रिलोड करेंगे अपन। आ गया सब यहाँ पर, तो डेस्कटॉप व्यू ऑन अगेन। सो यहाँ पर आपने अगेन ब्लर की हेल्प ले लो, और हम लोग कौन सा सिंबल लगा रहे थे, वो चेक वाला सिंबल ना, इसको एक्सपेंड करूँ। इसमें देखो कहीं पर आइकन का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आइकन ऑन करूँ, चेक, चेक को ऑन करो यहाँ से, और मैटर लिखना था ना मैं। जो आप थीम यूज़ कर रहे हैं बहुत एक्सपेंसिव थीम है, तो इसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं, सब इसके अंदर ही मिल जाता है। ये मैटर कॉल करूँ, देखो मैं आपको इस थीम पे सिखा रहा हूँ, इसलिए अलग से एलिमेंटर पढ़ाऊंगा, क्योंकि हो सकता है ना मिले, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो एलिमेंटर जिंदाबाद, और एलिमेंटर से भी तुम्हारा काम ना चले तो कस्टम आना चाहिए फिर, है ना। तो उसके लिए तुम्हें बिल्कुल एलिमेंटर प्लगइन है जो थीम बनाता है। ये हम लोग क्या करें, अब जैसे कि वर्डप्रेस में डीवी के अंदर ऐसी कोई थीम नहीं है जो मेरे डिज़ाइन को मैच करती हो, तो हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से बना रहे हैं ना सारी चीज़ें अपनी, खुद से कस्टमाइज़ करके। ऐसी एलिमेंटर से हम लोग बिल्कुल बनाना सीखेंगे, लेकिन डीवी के ऊपर नहीं, क्योंकि डीवी के अंदर सारी फंक्शनैलिटी पहले से हैं, एलिमेंटर से हम लोग बनाएंगे फंक्शनैलिटी। फिर वो जब सब खत्म हो जाएगा तो फिर पूरा मान लो कि आपने को फोटोशॉप में बर्गर टेम्पलेट दिखा दिया जैसे, कि भाई इसको कोड करो, तुम्हारा कोई थीम मैच ही नहीं कर रहा, अब तुम्हें सिर्फ आता है थीम के अंदर डेटा डालना, बनाना आता नहीं है, तो वैसा कैसे बनेगा, तो वो भी आना चाहिए। तो पहले बूटस्ट्रैप में उसको बना लो, फिर उसको वर्डप्रेस में कन्वर्ट करो थीम को, तो वो भी सिखा दूंगा, तो सब सीख जाओगे। मतलब हर तरीके से तैयार, मतलब ऐसे नहीं है कि बस थीम के अंदर डेटा डालने वाले, तो वो ऐसे वर्डप्रेस डिज़ाइनर बहुत मिल जाएंगे अपने को, डिज़ाइनर प्लस डेवलपर दोनों बनना है वर्डप्रेस में। देखो कोड अगर ऑप्टिमाइज नहीं होगा तो रिएक्ट की वेबसाइट भी खुलने में टाइम लगाएगी। तो कोड क्या होता है ना, जैसे हम लोगों ने पीएचपी पढ़ा था, उसमें मैंने एक टॉपिक पढ़ा क्लास, उप्स वाला जो टॉपिक आया था, तो यानी कि अगर मुझे एक जैसी चीज़ें बार बार करनी है, ठीक है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्लास का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जैसे मेरे पास बहुत बड़ा एंड नंबर ऑफ डेटा है और मुझे उसको हैंडल करना है, तो हमने क्या सीखा था, पेजिनेशन, वाइल लूप लगा के चलाने वाला सिस्टम ना, ताकि नंबर्स अपने आप जनरेट हो और डेटा उसके अकॉर्डिंग रिक्वेस्ट पर उतना उतना आता जाए अपना। तो यही होता है कोड ऑप्टिमाइजेशन, कि कोड को कितना अच्छे से आप ऑप्टिमाइज करके लिख रहे हो। यानी कि जैसे अगर मैं आपका वीएस कोड खोल ही लेता हूँ ना, एक मिनट लगेगा, ये तुम्हारा है किसका, नहीं तुम्हारा नहीं है, अपना टाइम था 12 to 1:30। इसके अंदर प्रोजेक्ट से पहले चलते हैं फंक्शन लूप, यह है जून, जुलाई अगस्त में जाना पड़ेगा, अगस्त जुलाई के, हाँ जी, तो यहाँ पर उप्स का एक फोल्डर अवेलेबल है, इस पर आइए। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था उप्स के अंदर कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, तो जैसे इस फाइल को ओपन करो, और यहाँ पर अगर आप देखोगे कि मेरे पास मान लो एक क्लास है फ्रूट के नाम से,
तो मुझे दो चीज़ें बनानी है प्रॉपर्टीज़ में, नेम और कलर। तो आप देखोगे सेट नेम गेट नेम, सेट कलर गेट कलर, यानी कि कोड इतना लंबा हो रहा है। अब यही सेम आउटपुट अगर मुझे कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्लास के अंदर अगर आता है, तो आप देखो आपका कोड कितना छोटा सा हो गया, वही सेम काम इतनी लाइन में ख़त्म हो गया, आउटपुट वही है लेकिन कोड लिखने का तरीका चेंज हो गया। देखो नेम कलर, मैं इस पर स्पेस लगा देता हूँ, और यहाँ भी जाके देखो आप नेम कलर, कोड देख रहे हो कितना लंबा है, यानी कि पहले आप सेट कर रहे हो कलर को नेम को, फिर गेट करा रहे हो। यहीं पर हमने कंस्ट्रक्टर जब पढ़ लिया, तो आप 10 प्रॉपर्टी डिफाइन कर लो लेकिन कोड की लेंथ इतनी रहेगी। इसी तरह से डिस्ट्रक्टर में आप डेटा निकालते जाओ। तो यहाँ देख रहे हो जब मैंने नीचे लिखा कि भाई मेरा फ्रूट का नेम क्या है एप्पल, और कलर क्या है उसका रेड। अब नॉर्मल वाले में आप देखोगे तो इतनी कहानी लिखनी पड़ रही नीचे डेटा प्रिंट कराने के लिए, तो ये भी कोड की लेंथ घट गई ना। दिस इज़ कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। तो मैंने पढ़ाई हुई है चीज़ आपको, तो अगर वो ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा काम जो होगा कोड की स्पीड रफ्तार जो होगी रेंडरिंग की बढ़ जाएगी उस केस में, और अगर नॉर्मल वाला तरीका लगाओगे तो उससे तुम्हारा कोड की रेंडरिंग का टाइम बढ़ेगा। तो PHP स्लो नहीं होती, मतलब होती है, मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा स्लो, मतलब ड्रास्टिक चेंज आ जाएंगे कि मतलब कि जो पेज रिएक्ट में एक मिनट में खुल, मतलब आपका सेकेंडों में खुल रहा है, PHP से मिनटों में खुलेगा, ऐसा नहीं है। हमने PHP जब पढ़ा था, हमने PHP के अंदर AJAX भी पढ़ा। AJAX क्या करता है कि बिना पेज को रीलोड कराए डेटा अपडेट करके दे देता है हमें, पढ़ा था ना हमने AJAX। और उससे हमें फॉर्म सबमिशन भी सीखा था, तो उसका काम क्या है, वही तो है जो रिएक्ट काम करती है, वही काम AJAX करती है हमारा, क्योंकि जो रिएक्ट है वो भी क्या है, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट XML। तो वहाँ पर भी सेम ही काम होता है, PHP से भी हम लोग सेम आउटपुट ले सकते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि कहाँ हमें नंबर ऑफ पेज बनाने की ज़रूरत है और कहाँ हमें नहीं है। अननेसेसरी बनाते जाओगे तो कोड हैवी हो गई होगा। और जैसे आपको याद होगा जब मैंने, अब जैसे मेरे पास मॉर्निंग में बैच आता है सागर सर का जो रिएक्ट पढ़ने आया है, अब वो लोग क्या करते हैं कि CSS पूरा लिखते हैं और इंटरनल ही डालते हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि सर ने उनको बताया नहीं होगा, लेकिन फोर्सफुली नहीं बताया कि भाई ऐसा नहीं करना। जैसे मैंने तुम्हें बोला ना कि इंटरनल कोड करो लेकिन कंप्रेस करना एक्सटर्नल करके, तो मैं फोर्सफुली बताया हुआ है, उनको बताया होगा लेकिन फोर्सफुली नहीं बताया गया, इस पर ज़्यादा अंडरलाइन नहीं किया क्लास के अंदर। तो बच्चों ने जैसे क्रिएटिव माइंड का प्रोजेक्ट बनाया, सबने ऐसे भेज दिया, जबकि आपको मैंने क्या बताया था, पूरा बना लो, बनाने का अलग फाइल में डालो एक्सटर्नल, उसकी भी एक कॉपी बनाओ मिन के नाम से, और उसको कंप्रेस करके डालो। अब CSS अगर इतना लंबा होगा, चाहे उसमें एक करली ब्रेसिस क्यों ना हो, ब्राउज़र को रेंडर करने में लगेगा टाइम, बट एक लाइन में होगा तो टाइम नहीं लगेगा। जितना एक लाइन को रीड करने में टाइम लगेगा, उतना ही काम आप टाइम में आपका काम हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड अगेन ऑप्टिमाइजेशन। तो मैं आपको डे वन से लेकर टिल डेट तक सब ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड ही पढ़ा रहा हूँ। एक तरह समझो कि आपको ऑन पेज ऐसी तो साथ ही साथ चल रहा है, ठीक है, बट हाँ जब SEO वाला पार्ट आएगा डेडिकेटेड, तो हम लोग फोकस करेंगे हेड सेक्शन में, टाइटल के ऊपर, डिस्क्रिप्शन के ऊपर, मेटास के ऊपर, तो और ज़्यादा उस चीज़ को अंडरलाइन करेंगे। वर्डप्रेस की साइट्स हैवी क्यों होती हैं, उसके पीछे का एक ही रीज़न है कि अगर हम वर्डप्रेस चला रहे हैं और हमारे प्लगइन 10 डले हुए हैं लेकिन काम के 2 हैं, उसमें से 8 फालतू हैं जो आपने डीएक्टिवेट करके रखा हुआ है, तो उसका भी आपका साइज कंसिडर होगा। थीम 10 डाल के मत रखो, जिस थीम पर काम करो वही रखो। ये नहीं कि मैं 10 रख लेता हूँ, कल को इसको एक्टिवेट कर लूँगा, परसों उसको कर लूँगा, अच्छी बात है तुम्हारे लिए काम आसान है, लेकिन वर्डप्रेस की रेंडरिंग को स्लो कर रहे हो। इसको ऐसा समझो, तुम स्कूल जाते हो, तुम्हारे उसमें 8 क्लास का पूरा सिलेबस तुमने बैग में लोड किया हुआ है, आज 4 ही क्लास होंगी, तो 4 का तो लोड कैरी कर ही रहे हो ना साथ में। ऐसा तो नहीं कि 4 क्लास नहीं होंगी तो उसका लोड भी नहीं होगा तुम्हारे पास, लोड तो रहेगा ना, तो सीधा सा फंडा है। तो इसलिए वर्डप्रेस के अंदर सबसे पहली चीज़ जो वर्डप्रेस ऑप्टिमाइजेशन का काम करते हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ जो काम में नहीं उसको हटा दो। मैंने पता नहीं नजर ऐसे कितने लोग वेबसाइट्स हैंडल की, 40-45-80 प्लगइन डाल के बैठे हो भाई सर, और कहते हैं कि सर वेबसाइट स्लो है। अरे स्लो नहीं भाई, ख़त्म है ये। अरे एक साइट को खोलने के बाद जब विजिटर ही ना उसको इंगेज होकर तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। तो अब जैसे अब उसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ भी कैसे रहा था वो भी सुनो, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी है ना, मेडिसिंस बनाते हैं, नोएडा बेस्ड कंपनी है, ठीक है। अब एक ही वेंडर है तो बंदे की मजबूरी होगी ना, जैसे तुम्हें अगर सामान फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन से खरीदना है, साइट स्लो हो जो मर्जी आप जाओगे भाई बार बार,
लेकिन अगर तुम्हें दे दूँ मेरी इसको छोड़ो ये वाला ऑप्शन है, उससे अच्छी सर्विस तुम्हें दे रहा है, उससे अच्छे प्राइस मिले, तो तुम क्या जाओगे नहीं वहाँ पर, चले जाओगे, चेंज कर दोगे। तो ये चीज़ होती है, तो मिस्टेक्स लोग उनकी ही एक्सेप्ट करते हैं, गूगल उनकी ही लेता है जो इंडिविजुअल है, यानी कि सोलो प्लेयर मार्केट के अंदर, कि भाई दूसरा कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, जिसका ऑप्शन मिलेगा लोग छोड़ देंगे। जैसे एंड्रॉयड ऑप्शन बन के आया किसका, सिम्बियन का, इसमें प्रीलोडेड है जो डले डलाए हैं, इसमें तुम अपनी मर्जी का डालो, लोगों का इससे अच्छा और क्या रहेगा, लाओ एंड्रॉयड एक साल में भाई सब बूस्ट मार गया, सिम्बियन ख़त्म होता चला गया। और ससुर कमाल की तो एक चीज़ दिखाऊं, देखो SEO में जब मैं कहता हूँ UI UX में फ्लिपकार्ट नंबर वन, SEO में भी फ्लिपकार्ट नंबर वन है, कैसे, चलो कुछ दिखाता हूँ। आप कोई भी कीवर्ड सर्च करो, मैंने जैसे एडवांस एग्जांपल के लिए यहाँ पर ये डाल दिया, क्या जूसर मिक्सर, सबसे ऊपर क्या आ रहे हैं, शॉपिंग ऐड आ रहे हैं सारे, देख रहे हो, जैसे विप्रो ने अपना चलाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आ जाओगे फ्लिप्स ने अपना रन किया है, बोरोसिल भी अपना बना के चला रहे हैं, ग्लेन इंडिया ने चलाया हुआ है, यहाँ पर देख रहे हो अमेजोन ने भी चलाया हुआ है। इस पूरे को सर्च कर लेना, फ्लिपकार्ट नहीं मिलेगा तुम्हें। उसके बाद फ्लिपकार्ट यहाँ पर अमेजोन ने सर्च ऐड भी चलाया हुआ है, नीचे आओ यहाँ पर बोरोसिल अमेजोन, ठीक है, ये सब क्या है आपके SEO से आ रहे हैं सारा का सारा डेटा इसके अंदर। लेकिन ये क्या हो रहा है, अमेजोन जो है वो पेड चलाता है हर चीज़ को, क्योंकि उसके पास वर्ल्ड वाइड फंडिंग की कमी नहीं है, तो जिसका फंड थोड़ा सा श्रिंक होता है ना, बहुत ज़्यादा बजट नहीं होता, वो लोग नहीं करा पाते। अब जैसे आप लिख दो जूसर मिक्सर ग्राइंडर यहाँ पर, अब आप देखो फिर से यहाँ पर ऐड चल रहा है, नीचे जाओगे यहाँ पर अगेन बोरोसिल फ्लिप्स इस तरह से तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे, फ्लिपकार्ट आ रहा है। सोचो मैन्युफैक्चर नहीं है, सेलर है, लेकिन SEO में रैंक कर रहा है, और अमेजोन को उसको बीट करने के लिए पेड ऐड चलाना पड़ रहा है, फ्लिपकार्ट नहीं लगाता पैसा, क्योंकि फ्लिपकार्ट को ये कॉन्फिडेंस है कि मेरे इंस्टॉल कंपैरेटिवली अमेजोन सबसे ज़्यादा है लोगों के फ़ोन में। वो क्या करता है, पुश नोटिफिकेशन का सारा लेता है कि भाई 27 तारीख को सेल आ रही है, तो कहीं ऐड नहीं दिखाएगा, वो टीवी पे ऐड दिखा देगा, तुम्हारे फ़ोन पे डेली सुबह दोपहर शाम देखोगे नोटिफिकेशन होगी, है ना। तो उसका जो प्लस पॉइंट है वो ये है। तो क्यों कंपनियां कहती हैं कि भाई हमारा ऐप होना चाहिए, क्योंकि ऐप बन गया तो मार्केटिंग की झंझट ही ख़त्म हो गई, क्योंकि आपने एक बटन दबाया यहाँ से सबके पास नोटिफिकेशन चला गया, अब ऐड चलाओगे देखा नहीं देखा, है ना, तो ये चीज़ है। तो इसलिए ऐप से एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट घट जाती है और आप एक लॉयल ब्रांड बन जाते हैं, तो आपके लॉयल कस्टमर होते हैं, जो जो भी चीज़ चेक करनी होगी आप ही के पास जाएंगे। अब बनाने वाले देखोगे जैसे हेवल्स भी बेच रहा है अपना ऑनलाइन, यहाँ पर आप देखोगे विप्रो भी अपना बेच रहा है, लेकिन ये लोग अपनी वेबसाइट पर बेच रहे हैं, ऐड चला रहे हैं, अपने आप को पॉपुलर कर रहे हैं, लेकिन इनका सेल आती है, सस्ते में आने के पीछे का एक ही रीज़न होता है, क्या ये तो है, कॉस्ट कटिंग,